अभी हम मौजूद हैं नू में। यहाँ से अभय चौटाला जी की तरफ से जो टिकट दिया गया है, जो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं उनको जो देख सकते हैं कि तमाम जो जुलूस निकाला जा रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कितना विशाल जो जुलूस है यहाँ पे लोगों की तरफ से जो निकाला गया है, जो देख सकते हैं लोग हैं अंदर कितना उत्साह है कि जाकिर हुसैन को जो टिकट दिया गया है, जो जाकिर हुसैन को जो यहाँ की जनता बहुत उनको रिस्पेक्ट से जो देखती है, कि जो यहाँ से आफ्ताब अहमद जी भी खड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकीन है। कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं जो आपको मिला टिकट जाकिर हुसैन जी? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। ये क्यों है इतना खुशी, क्यों है इतनी लहर, क्यों है खुशी? इतनी लहर यूँ है कि चौटाला का टिकट मिला है और अच्छा पहले से भी अच्छा काम करता है और अब भी इंशाल्लाह जीतेगा यहाँ से। लेकिन अभय चौटाला जी की बात करें तो अब उनका वो जनाधार नहीं है, वो अब क्या दोबारा वो जनाधार आ जाएगा वापसी? हाँ बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल। नया लड़का है, नया जोश पैदा हुआ है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो बाइक रैली भी निकाला जा रहा है, अब मैं आपको दिखला दूँ, ये पूरा बाइक रैली है यहाँ पे, जो आप देख सकते हैं कि दूर से बाइक रैली भी है और लोगों के अंदर इतना उत्साह है, लोग चाह रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में नू से विधायक बने। भाई कितनी लहर आपके अंदर, कितनी खुशी है ये जो जाकिर हुसैन जी को जो टिकट? जाकिर हुसैन का रैली नहीं, रेला है और गणपड़ू पहला है, रेला है ये, रेला रेला है। इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, बुजुर्गों को सहारा दिया चौटाला ने, इसलिए हम इसके साथ हैं। रिकॉर्ड चौधरी साहब ही तोड़ेगा। यहाँ से जो आफ्ताब अहमद जी है वो उनका क्या है, वो कांग्रेस पासिंगन में ना भाई, पासिंगन में जमानत ना बच, जमानत जब्त हो जाएगी, जारा जमानत जब्त, देख लो। वह नू की जनता ने ठान लिया कि जाकिर हुसैन को यहाँ से जितवा के विधानसभा भेज रहे हैं। चौधरी ताहिर हुसैन जीतेगा और विधानसभा जाएगा भाई, मतलब विधानसभा जाएंगे यहाँ से जीत, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। पिछले साल कितने नंबर पे थे? दूसरा नंबर पे था, उससे पिछले साल का रिकॉर्ड जो था वो यही तोड़ेंगे इस साल भी। हाँ यही तोड़ेंगे, अपना रिकॉर्ड यही तोड़ेंगे। किसी और भी हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यू तो कल आप लोगों के अंदर कितना जोश भाई, बहुत कुछ जुनून है हमारे अंदर। कल तो पिक्चर था ट्रेलर देख लो, ये लोग कहते हैं उसने दे दिया समर्थन, उसने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है जी, जान से इसी गहरे जी जान से ही रहेंगे। मतलब जोश बहुत हाई है आपके अंदर, इसके लिए हम जान दे देंगे जोश की बात। आप इस रैली में आए, कितना जोश आई आपके अंदर भाई? इतना जाकिर हुसैन जी के, जाकिर हुसैन जी के बेटे हैं चौधरी ताहिर हुसैन साहब, युवाओं की धड़कन है, नू की आने वाली दशा को बदलने वाले हैं। जो नू की जनता जो असुविधाओं से जो झेल रही थी 5 सालों से, वो क्या ताहिर हुसैन जी आने वाले विधानसभा जो जीत गएंगे तो बदल देंगे, बहुत बदलाव आएगा और बीजेपी और कांग्रेस की पोल खोलेगा। ना बीजेपी ने कुछ किया यहाँ पे, ना कांग्रेस ने कुछ किया, क्या दोनों आप मुझे मिली जुली भगत थी? बिल्कुल मिली जुली भगत थी। मेवात को अनदेखा किया गया, हर चीज मेवात को पछाड़ा गया है, सोतेला व्यवहार किया मेवात के साथ, मेवात को ना एजुकेशन में आगे बढ़ने दिया, ना विकास में आगे बढ़ने दिया। मेवात अब आगे उम्मीद है युवाओं की, दिलों की तरक्की करेंगे, मतलब जो ताहिर हुसैन जी जीत गए तरक्की, ताहिर हुसैन साहब की अगुवाई में मेवात में बहुत अच्छा विकास होगा। सीधा सवाल है, जो आफ्ताब अहमद जी है क्या वो टक्कर देंगे? नहीं, टक्कर तो ताहिर हुसैन जी में आफ्ताब में ही है जी। इनेल और बीजेपी, बीजेपी तो 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे, और जो जेजेपी हो आम आदमी पार्टी हो ये बहुत पीछे की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले नंबर की लड़ाई चौधरी ताहिर हुसैन साहब फिलहाल, दूसरे नंबर पे कांग्रेस है और बाकी बात में। यहाँ के जो लोगों से भी हमने जाना कि उनका कहना है कि ताहिर हुसैन जी जो है वो पहले नंबर पर रहेंगे, तो भाई आफ्ताब अहमद जी जो है वो दूसरे स्थान पर रहेंगे, क्योंकि इस वक्त कड़ी टक्कर है दोनों के बीच ताहिर हुसैन को टिकट मिलने को लेकर। चौधरी ताहिर हुसैन कम से कम 20,000 वोट से जीतेगा और दिन पे दिन उकसा बढ़ रहा है पब्लिक में कि उन्हें कांग्रेस के राज में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और इनोलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने नूह को डिस्ट्रिक्ट बनाया। मतलब क्या आने वाले जो 8-5 तारीख है उसमें बदलाव देख रहे नूह की जनता? हाँ जी, बदलाव देखना चाहती है नूह की जनता। आप लोगों का पूरा समर्थन है उनको? हाँ, पूरे जी जान से समर्थन है। हरियाणा में कहते हैं 36 बिरादरों की, जो 36 बिरादरी है उनका पूरा समर्थन? हाँ, 36 बिरादरी का सबका समर्थन है चौधरी ताहिर हुसैन के साथ। आने वाले वक्त में जो जीत के आएंगे तो क्या विकास कार्य करेंगे यहाँ की जो नूह की जनता के? वो पहले से करते आए हैं, इनोलो पार्टी ने पहले नूह को इतना बड़ा तोहफा दिया, डिस्ट्रिक्ट बनाया और आगे भी हमने ये उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं। भारतीय ये इनोलो जो पार्टी है ये बहुत बड़ा
विकास करने जा रही है, बदलाव करने जा रही है हरियाणा की राजनीति में। बदलाव होगा, 100% बदलाव होगा। लेकिन देखा गया पिछले साल जो 2019 में एक भी सीट का खाता नहीं खोला था जी। देखो कोई भी सरकार आते हैं, हर सरकार विकास तो करती है, चाहे कोई थोड़ा करते कोई ज़्यादा करते है, मगर पहली जो सरकार रही उन्होंने भी विकास किया है। और यहाँ हमारी बहुत गंगा जमनी तहजीब है, हमारा किसी आपस में कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं रहता। आपका है कि भेदभाव नहीं रहता, सबका साथ सबको लेके चलना है। हाँ जी, सब 37 बिरादरी को सबको साथ लेके चलते हैं। आप भी ताहिर हुसैन जी के सपोर्ट में ही उतरे हुए हैं, तो क्या कितना सपोर्ट मिलेगा उनको? पूरा मिलेगा, खूब मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ पूरा मिलेगा। जो 5 तारीख को कितने जो इलेक्शन होंगे, 5 तारीख को जो वोटिंग होगी, फिर 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, कितने मार्जिन से जीत के आएंगे? कम से कम जीते 30-40। 30-40 हज़ार वोटों से? हाँ 30-40 हज़ार। जो आफ्ताब खान, क्योंकि आफ्ताब खान भी विधायक है यहीं से, वो भी लड़ रहे हैं कांग्रेस से, तो उनका क्या है? उनको तो कुछ ऐसे ही रहेगा, मतलब उनका जनाधार नहीं है। सब जनाधार अब ना है, खत्म हो गया उनका, खत्म हो गया। मतलब यहाँ की जनता से हमने जाना कि उन्होंने कहा कि नहीं, उनका जनाधार खत्म हो चुका है, वो अब आफ्ताब अहमद जी यहाँ से मुश्किल ही है वो जीते। इन्होंने की जो पार्टी अभय चौटाला जी की, वो पूरा जो ताहिर हुसैन की जो समर्थक है, वो कह रहे हैं कि इस सभा जीत के दोबारा 30,000 वोटर से जीत गएंगे। कैमरामैन शक्ति के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI News हरियाणा।